Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मैं माने महोदय कमिश्नर महोदय से 10:30 बजे का मैंने फोन पर टाइम लिया। मैं 10:30 बजे उनसे करेक्ट मिलने आया, तो जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो जिन लोगों को मिलवाना था, जिनकी समस्याएं थी, चाहे गांव के प्रधान जी थे, एक अस्पताल की समस्या थी, कुछ ओला वाले लोग थे कर्मचारी, उनकी समस्याएं थी, एक दो समस्याएं और थी जो पब्लिक की समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में जैसे ही मैंने उनको बताना चाहा और जो सामने व्यक्ति जिनकी समस्या थी उन्होंने बताना चाहा, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्होंने अनसुना कर दिया। मैंने ये बात उनसे कमिश्नर महोदय से कही कि अगर आप इनकी बात ही नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा बात का। तो बात अनसुनी करते हुए कह दिया, ठीक है आप बोलते रहिए, आप ये जो उन लोगों से कहा कि आप बोलते रहिए, मैं अपना काम करते हूँ, और लिया फाइल पे अपने काम करने लग गए। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान मेरठ में धरने पर बैठ गए हैं। अतुल प्रधान मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी जे के ऑफिस के ठीक बाहर धरने पर बैठे हैं। अफसरशाही की मनमानी से आम जनता और जनप्रतिनिधियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत सुनने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है, जिसके बाद खुद जनप्रतिनिधि अफसरशाही दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। आज सपा नेता अतुल प्रधान मंडलायुक्त से अपॉइंटमेंट लेकर अपने क्षेत्र के कुछ लोगों की समस्याओं के साथ कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे। कमिश्नर ने उनकी एप्लीकेशन लेकर एक किनारे रख ली, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। अतुल प्रधान ने कमिश्नर से अपनी बात कहने का प्रयास किया तो उनको बाहर जाने के लिए बोल दिया गया। दोनों के बीच इसी को लेकर बात बिगड़ी और फिर अतुल प्रधान उनके चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। उधर मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे का कहना है कि उन्होंने विधायक की सभी बातों को ध्यान से सुना है, कुछ शिकायतों की जांच आवश्यक है, विधायक की उपेक्षा करने का आरोप गलत है। सुनिए धरने पर बैठे अतुल प्रधान ने हमारी संवाददाता निलोफर अंसारी को क्या बताया। आज हम मौजूद हैं कमिश्नरी कार्यालय के बाहर, जहां अतुल प्रधान सपा नेता अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे और धरने पर बैठे हैं। जानते हैं इनसे क्या सर, आप ये धरने पर क्यों बैठे हैं? अच्छा, और मैं 10:30 बजे कमिश्नर महोदय से टाइम लेकर यहां पर आया था और टाइम लिया था मैंने बाकायदा। टाइम लेने के बाद में मैं कुछ लोगों की समस्या लेकर आया था, जो जनता की समस्याएँ रहती हैं जिस तरीके की, तो उसमें उनका आचरण अच्छा नहीं है। एक जनप्रतिनिधि से इस तरह का आचरण करना, या तो मैं व्यक्तिगत कोई अपनी समस्या लेकर आया हूँ, लेकिन मैं जनता की समस्या लेकर आपके पास आया हूँ तो आपको बात सुननी चाहिए, लेकिन आप बात सुनना ही नहीं चाहते। तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को भी इसकी सूचना दे दी है और मैंने लिखित में इनसे अभी रिसीविंग मांगी है, मैं इसको सदन में भी उठाऊँगा। इन्होंने जो व्यवहार किया है वो एक जनप्रतिनिधि के साथ कभी इस तरह का व्यवहार एक अधिकारी को शोभा नहीं देता। किसने किया था? ये कमिश्नर साहब हैं, और जब मान लिया हम लोग किसी समस्या को लेकर आए, उसको पूरा सुन लीजिए, पूरा सुनने ओ नहीं, और सब ये तो बेचारे जो यहाँ के समस्या वाले लोग हैं वो लोग हैं, मैं तो अकेला बैठा हूँ। अच्छा, हाँ, और मैं समस्या लेके आया आप? समस्या दरअसल कुछ ओला के लोग थे, जो ड्राइवर बेचारे कई दिनों से 500-700 लोग ड्राइवर परेशान हो रहे थे। उसके अलावा गाँव के क्षेत्र की समस्याएँ हैं, जैसे आपके गाँव में छोटी छोटी समस्याएँ होती हैं, नीचे स्तर पर उनका निस्तारण नहीं होता। आज DM साहब से मेरी बात हुई थी, DM साहब आज लीव पर हैं, छुट्टी पर हैं, तो मैंने कमिश्नर साहब से टाइम उसके लिए मांगा था, लेकिन जैसे ही उनके पास पहुँचे, सामने वाले समस्या अपनी बताने लगे, तो उन्होंने समस्या सुनने के बजाय और उल्टा उल्टा आर्गूमेंट जैसे करने लग जाते हैं, ऐसे करने लग गए। मैंने कहा इनकी बात सुन लीजिए और जो हो सकता होगा सही काम वो करा दीजिएगा, जो नहीं हो सकता होगा मत कराइएगा। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, ये बोलते रहेंगे, मैं अपना काम करते रहूँगा, और फाइलों पर साइन करने लगे। मैंने ठीक है, तो हम भी यहीं फर्श पर आपके यहीं बैठे हैं, और मैंने लिखित में मांगा है इनसे कि भाई एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह के व्यवहार करने पर हम लोग उसको सदन में भी उठाएंगे और लोगों को कम से कम पता लग जाए। ये लोग जो बड़े अधिकारी हैं, सब लोग अधिकारी तो खैर खराब नहीं होते, लेकिन ये समझते हैं कि अपने आप को ये भगवान है। अरे भगवान भगवान है, ईश्वर ईश्वर होते हैं, आप इंसान हो, और इंसान अगर हो तो आपको जो ओहदा पद मिला है उसके अनुसार लोगों के साथ न्याय करो। सर आप कैसे यहाँ पर इनके बुलाने पर आए थे हम? हमारे कॉलेज का मामला है बाईपास पर, उसमें फीस का मसला है, तो विधायक जी ने बुलाया था हमें, तो उसके लिए आए थे यहाँ। फीस का क्या मसला है? वो जो फीस थी हमने वो बच्चे की फीस जमा कर दी थी, लेकिन फिर भी अब वो 36,000 रुपये और मांग रहे हैं, तो उसके लिए विधायक। कौन सा कॉलेज का नाम है? कौन सा कॉलेज है? डायरेक्ट कॉलेज है बाईपास पर। वो फीस ज़्यादा मांग रहे हैं जी, जो फीस पहले बताई थी वो फीस हमने पूरी जमा कर दी है, लेकिन उसके बाद भी वो 36,000 रुपये मांग रहे हैं। 27 तारीख में पेपर होंगे। नहीं, प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट तो आप इनके साथ जी? आप भी इनके साथ? नहीं, इनके पास आएंगे अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए। इनके साथ मिलकर ही विधायक जी जी।
जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अतुल प्रधान के साथ उनके समर्थक भी मौजूद हैं, वो सभी अपनी समस्या का निस्तारण के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनका कहना है कमिश्नर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए वो आगे तक जाएंगे, आगे तक अपनी आवाज़ उठाएंगे। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैंने लोकल अंसारी, फर्स्ट बाइट की। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।